हे गाइस, दिस इज हेवडी क्यूएनए सेशन 67, जिसमें दोबारा से आपके कुछ कमेंट्स को पिक करके आए हैं। इसके साथ साथ ये वीडियो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ इसमें यूनिकनेस ये है कि ये हमारी फर्स्ट वीडियो है 2021 की, जिसमें हम यहाँ पर उसी तरह से आपकी प्रॉब्लम्स और डाउट्स को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे चैनल का मेन मोटिव है, मेन फोकस है, कि यहाँ पर स्मार्टफोन से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई डाउट आता है तो उसका सॉल्यूशन आपके लिए इस चैनल पर देखने को मिल जाए। तो उसी बेसिस पर इसमें हम आपकी प्रॉब्लम्स और डाउट्स को सॉल्व करेंगे, इसके साथ साथ कुछ जनरल पॉइंट्स को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो हे गाइस, आई एम ऋषि सेंगर, दिस इज यूट्यूबर एक्स। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, आशा करता हूं आपके लिए वीडियो पसंद आएगी। तो गाइस, जिस तरह से आपने देखा कि बहुत दिनों से मैं यहाँ पर चैनल पर एक्टिव नहीं हूं, और इसके साथ साथ यहाँ पर एक दो हफ्तों से आपके लिए यहाँ पर क्यूएनए सेशन भी देखने को नहीं मिला, क्योंकि बहुत कम कमेंट्स आ रहे थे वीडियो पर, और मैं वीडियो भी रेगुलर नहीं अपलोड कर रहा था, जिससे आप लोगों के वहां पर डाउट्स और प्रॉब्लम्स भी कम देखने को मिल रही थी। बट अब जब यहाँ पर दो से तीन हफ्ते के कमेंट्स हमारे सामने आते हैं, तो करीब 9 to 10 कमेंट्स हैं। तो उसी बेसिस पर फर्स्ट कमेंट आता है नवीन जी की तरफ से, जो है बोलते हैं यहाँ पर इनके लिए S9 प्लस देखने को मिला है 20,000 के प्राइस सेगमेंट में, जिसमें यहाँ पर 6GB रैम और 64GB वाला वेरिएंट है, जिसमें यहाँ पर स्नैपड्रैगन का चिपसेट देखने को मिलता है। तो क्या ये इसको परचेस कर सकते हैं, इस तरह का इनके माइंड में डाउट है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल इसको फोकस कर सकते हो, इसको परचेस कर सकते हो 2021 के हिसाब से। बट मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप यहाँ पर 1 से 2 हजार का और नेगोशिएशन कर लेते हैं, 18,000 के अप्रोक्स इस स्मार्टफोन की प्राइस को ले जा सकते हैं, तो फिर वो और भी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डिवाइस रहेगा 2021 के हिसाब से। इसके साथ साथ यहां पर डिस्प्ले वाइज आपके लिए परफॉर्मेंस बेस्ट मिलेगी, और अगर आपके लिए स्नैपड्रैगन का चिपसेट आता है, तो यहां पर जो जनरली S9 प्लस यहां पर जायनोस के प्रोसेसर के साथ आता है, उससे बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी। इसके अलावा यहां पर जो वीडियो क्वालिटी है, मतलब कैमरा बेसिस पर, वो सब भी आपके लिए प्रॉपर मिलेगा 2021 के हिसाब से। तो अगर नेगोशिएशन होता है तो 18,000 में परचेस करिए, अदरवाइज 20,000 के हिसाब से भी ओके डिवाइस आप परचेस कर सकते हो, एक फ्लेक्सिबल लेवल की परफॉर्मेंस आपको जरूर मिलेगी। इसके अलावा नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर आ रहा है समीर जी की तरफ से, जो यह बोलते हैं यहाँ पर कि आईफोन 10R 2021 के हिसाब से कैसा रहेगा, यहाँ पर इनके लिए परचेस करना चाहिए 2021 में, या यहाँ पर वेट करना चाहिए आईफोन 11 का दिवाली सेल में, जो यहाँ पर प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा, क्योंकि वो एक बड़ा प्राइस ड्रॉप हो सकता है 2021 में, जो यहाँ पर दिवाली सेल आएगी उसमें। तो यस गाइस, यहाँ पर जो आईफोन 11 है वो हो सकता है कि 40,000 के अप्रोक्स देखने को मिले, बट यहाँ पर 8 से 10 महीने का फर्क है, और 8 से 10 महीने में हो सकता है ऐसा भी कि आप अभी 40,000 के स्मार्टफोन को फोकस कर रहे हो, और वहां पर आप 50,000 को भी फोकस कर पाओ 8 से 10 महीने में। वहां पर आपके लिए आईफोन 12 भी देखने को मिल सकता है उस प्राइस पर जिस पर अभी आईफोन 11 है। तो अगर आपको अभी स्मार्टफोन परचेस करना है, तो आप आंख बंद करके आईफोन 10R के लिए जा सकते हो, जो कि आपके लिए करीब ऑफर्स वगैरह लगाने के बाद में 40,000 के अप्रोक्स देखने को मिल जाएगा। और अदरवाइज 8 से 10 महीने का इंतजार करना चाहते हो, तो फिर तो आप थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि मार्केट वहां पर बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा, और बिल्कुल प्राइस में आपके लिए ड्रॉप देखने को मिलेगा, फिर आईफोन 10R हो या 11 हो, और ओवरऑल 10R यहां पर 2021 के हिसाब से बेस्ट है, तो आप उसके लिए भी फोकस कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपका बजट यहां पर 10R का है और वहां पर आप उसको स्पेंड करके आईफोन 11 को फोकस करो, तो ऐसा भी नहीं करना। 10R यहां पर एक बेस्ट डील रहेगी 2021 के हिसाब से। इसके साथ साथ जो रिव्यू वीडियो रहेगा यहां पर 10R का 2021 के हिसाब से, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहेगा, मैं पहले अपने स्मार्टफोन को यूज करूंगा जो मेरे पास 10R है, उसके बाद मैं आपके सामने उसका भी वीडियो प्रेजेंट करूंगा, तो वहां पर आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट कमेंट यहां पर आ रहा है आयुष जी की तरफ से, जो है बोलते हैं यहां पर इन्होंने आईफोन 11 को परचेस किया 16th of October को, जिसको इन्होंने यूज करना चालू किया 26th of October से। इसके साथ साथ 2 महीने के करीब स्मार्टफोन को यूज किया, 97% के अप्रोक्स बैटरी हो चुकी है, जिसमें 3% के अप्रोक्स बैटरी हेल्थ ड्रेन हुई है। इसके साथ साथ यहां पर एक कमेंट और आता है इसी तरह से इमरान जी की तरफ से, जिन्होंने भी आईफोन 11 को 2 महीने यूज किया, जिसके बाद बैटरी हेल्थ हो गई 95%। तो ये जो बैटरी में ड्रेन देखने को मिल रहा है, अगर आप इसको एप्पल के सर्विस सेंटर पर दिखाते हो, तो वहां पर आपके लिए वो ये कह देंगे कि 1 साल के अंदर अगर 80% टच करती है, तो आपके लिए बैटरी का रिप्लेसमेंट मिलेगा, अदरवाइज ये जेन्युइन है, इसमें कोई ऐसा कोई इशू नहीं है जिस पर आप फोकस करके थोड़ा सा घबराएं, ऐसा उनका कहना होता है, क्योंकि मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ इसी तरह से रहा, क्योंकि मैंने भी यहां पर 2 iPhone ऐसे 2020 परचेस किए थे इसी दिवाली सेल में, जिसमें एक iPhone ऐसे 2020 व्हाइट वाले की 100% बैटरी हेल्थ अभी तक मेंटेन, और इसके साथ जो रेड कलर का आईफोन ऐसी था, उसकी बैटरी अभी 97% के अप्रोक्स हो चुकी है। तो यहां पर डरने की बात नहीं है, किस बेसिस पर नहीं है, उसके लिए आप सिर्फ एक एग्जांपल को समझिएगा कि मेरा एक फ्रेंड है, आईफोन 11 उसके पास है, पहले बैटरी यहां पर आराम से मेंटेन रही 5 से 6 महीने तक 98 से 100 के बीच में, उसके बाद जब यहां पर 3rd और 4th क्वार्टर में उसकी बैटरी एकदम से ड्रेन होना चालू हुई और 92 और 91% के अप्रोक्स पहुंच गई। तो ओवरऑल ऐसा
होता है कि कुछ स्मार्टफोन्स की बैटरी पहले मेंटेन होती है और फिर एकदम से ड्रेन होती है, और कुछ स्मार्टफोन की बैटरी नॉर्मली ड्रेन होती रहती है। बट यहाँ पर ओवरऑल जो दोनों का एक्सपीरियंस रहता है, अगर आपके स्मार्टफोन में कोई इशू नहीं है तो यहाँ पर करीब 80% के अप्रोक्स बैटरी 2 साल में पहुँचती है और वो आपके लिए 2 साल का बैकअप देती है आराम से। ये मेरा एक्सपीरियंस है, 2 से 2.5 साल का भी एक्सपीरियंस दे सकती है क्योंकि मेरे आईफोन 10 में मुझे ये एक्सपीरियंस देखने को मिला था। इसके साथ साथ अपने स्मार्टफोन को आराम से यूज करिए, जो पॉइंट्स बैटरी हेल्थ के ऊपर टिप्स वगैरह आती हैं उनको फॉलो करते रहिए, अभी सिर्फ नंबर्स पर फोकस करके घबराइएगा मत, आराम से यूज करिएगा। क्योंकि यहां पर ना तो आपके लिए एप्पल की तरफ से अभी कोई रिप्लेसमेंट देखने को मिलेगा 2-3% पर, क्योंकि अभी आपके स्मार्टफोन की बैटरी जल्दी गिर रही है, हो सकता है कि बाद में वो ऐसे ही मेंटेन रहे जैसे मेरे आईफोन 10 की 89 से 87 तक रही करीब 9 महीने। 9 महीने में सिर्फ 2% बैटरी हेल्थ ड्रेन हुई थी, तो उस तरह से भी आपकी मेंटेन हो सकती है, अभी से घबराइएगा मत, आराम से अपने स्मार्टफोन को यूज करिए। इसके अलावा नेक्स्ट कमेंट यहां पर आ रहा है साईंराज जी की तरफ से, जो है वो यहां पर ऐसी 2020 से वीडियो को मैं क्यों शूट नहीं कर रहा हूं, तो इसका रीजन ये है कि ऐसी 2020 अभी मेरा भाई यूज कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर ऐसी 2020 मैंने उसी के लिए परचेस किया था। मैं पर्सनली अभी आईफोन 7 को यूज कर रहा हूं क्योंकि इसका रिव्यू भी करना है कि 2021 के हिसाब से ये स्मार्टफोन कैसा होने वाला है, इसके साथ साथ क्या आज आप इसको यूज कर सकते हो, इतना पुराना स्मार्टफोन क्या आज के टाइम पर भी मार्केट में टिक सकता है क्या, तो इस लेवल पर इसको भी थोड़ा सा रिव्यू कर रहा हूं। और मैं यहां पर फोकस कर रहा था कोई लेटेस्ट आईफोन पर जो अभी आईफोन 12 सीरीज में से आया है, बट अभी अनफॉर्चुनेटली मैं उसमें से किसी भी स्मार्टफोन को परचेस नहीं कर पाया, तो इस बेसिस पर अभी मुझे इससे शूट करना पड़ रहा है। और कुछ टाइम पहले आईफोन ऐसी 2020 का मेरे को रिव्यू करना था, तो उस बेसिस पर 1 से 1.5 महीने मैंने उसको यूज किया, तो उस टाइम पर आपके लिए उसी से वीडियो क्वालिटी देखने को मिली। और बीच बीच में अगर आईफोन 10 ऐसी 2020 फ्री होता है तो आपके लिए उसकी भी क्वालिटी देखने को मिल जाएगी, बट अभी फिलहाल में आईफोन 7 के साथ ही आप वीडियो को एंजॉय करिए, आगे चल के आपके लिए इसमें और भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ऐसी 2020 अभी मेरा भाई यूज कर रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट कमेंट यहां पर आ रहा है गाइस अभिनव जी की तरफ से, जो यह बोलते हैं यहां पर कि मैंने जो सेलबडी के स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग की थी आईफोन 7 की, जो कि मैंने अक्टूबर के मंथ में परचेस किया था 2019 में, वो यहां पर एक पेड रिव्यू है क्योंकि पहले मैंने आईफोन्स को परचेस किया 2 से और 6 से 7 वीडियो बनाने के बाद में मैंने उनकी बुराई करना चालू कर दी और यहां पर फिर सेलबडी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने लगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक क्लियरली बताना चाह रहा हूं हमारे चैनल के बारे में। ऐसा नहीं है कि आपकी कंट्रोवर्सी को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, आपको अगर बिलीव और ट्रस्ट हो तो आप यहां पर कर सकते हो, बट मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अभी तक जो भी आईफोन से, फिर वो टूवर्ड से हो या सेलबडी से हो, कोई भी आईफोन यहां पर प्रमोटेड नहीं है, पेड नहीं है। यहां पर जो भी रिव्यू था वो अनवाइज था, बट मेरा जो यहां पर एक्सपीरियंस रहा कि जैसे मैंने टूवर्ड से फर्स्ट स्मार्टफोन परचेस किया, फर्स्ट पॉइंट ये था कि 15,000 में क्या आईफोन देखने को मिल सकता है, तो वो मुझे टूवर्ड से देखने को मिला, तो उसका आपके लिए बिल्कुल क्लियर बताया कि कम प्राइस में अगर आपके लिए आईफोन परचेस करना है तो कर सकते हो। उसके बाद मेरे को जिस लेवल पर जो जो प्रॉब्लम्स फेस करने को आई टूवर्ड के साथ में, वो सारी चीज मैंने आपके सामने प्रेजेंट करी टाइम टू टाइम में। जैसे फर्स्ट वाले स्मार्टफोन में बैटरी से रिलेटेड इशू आया, उसके बाद डिस्प्ले से रिलेटेड, और आगे चल के मुझे ऐसा फेस करने को आया कि यहां पर जिस कैटेगरी को हम परचेस कर रहे हैं उस कैटेगरी का स्मार्टफोन वहां पर देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद मुझे पता चला सेलबडी के बारे में कि सेलबडी यहां पर बेटर कंडीशन में प्रोडक्ट दे रहा है टूवर्ड के कंपैरिजन में, तो यह बात अभी भी सच है। यहां पर मैं आपसे कहूंगा कि टूवर्ड से बेहतर प्रोडक्ट सेलबडी पर देखने को मिलेंगे, बट ओवरऑल सेलबडी के साथ भी कुछ कॉम्प्रोमाइजेशन देखने को मिल रहा है। जैसे लोगों के मैंने यहां पर रिव्यूज देखे, कमेंट्स देखे, और मेरे पास टीएम्स वगैरह भी आते हैं कि एसेसरीज वगैरह में वहां पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, इसके साथ साथ वारंटी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और इसके अलावा यहां पर जो कस्टमर सर्विस है वो सेलबडी की बेस्ट नहीं है, तो उसी बेसिस पर मैंने अभी वीडियो बनाना कम कर दिया है सेलबडी के प्रोडक्ट्स पर। इसके साथ वो रीजन यही है क्योंकि मैं यहां पर किसी भी तरह का आप लोगों का ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाह रहा, इस वजह से जो भी यहां पर रिव्यू था बिल्कुल अनवाइस्ड था। जैसा मैंने प्रोडक्ट खोला है, ओपन किया, वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया, जो स्मार्टफोन अच्छा निकला उसकी तारीफ की, जो स्मार्टफोन ठीक नहीं था उसकी बुराई की, वहां पर एसेसरीज से रिलेटेड मुझे प्रॉब्लम आई तो वो भी मैंने अपनी वीडियोस में क्लियरली आपसे डिस्कस किया। और ओवरऑल मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि जो यहां पर प्रमोटेड वीडियोस हैं वो यहां पर रिव्यू वीडियो नहीं है, कोई भी अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं है, वो यहां पर जो डील्स वगैरह के बेसिस पर वीडियोस मैंने क्रिएट की हैं, जिस तरह से सेलबडी पर कौन सी डील्स देखने को मिल रही है और या कोई और प्लेटफॉर्म पर क्या डील्स देखने को मिल रही है, वो यहां पर एक हद तक प्रमोटेड हो सकती है, बट यहां पर जो रिव्यू वीडियो वगैरह है वो बिल्कुल अनबायस्ड है। इसके अलावा नेक्स्ट कमेंट यहां पर आ रहा है मनीष जी की तरफ से, जो यह बोलते हैं यहां पर कि ईसिम को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो वो जो सिम है उसको स्मार्टफोन में ही डली रहना चाहिए, इसके साथ साथ किस सिम से यहां पर मैसेज करना चाहिए, इस तरह के जो भी डाउट हैं वो मैंने बहुत सारे लोगों के देखे हैं, तो मैं फिर से आपके डाउट्स को
क्लियर कर देना चाहता हूँ। और उसी बेसिस पर जो ईसिम वाला वीडियो है उसका मैंने पार्ट टू भी रिलीज किया था, जहाँ पर उसकी कौन से और नेगेटिव पॉइंट्स थे उनको भी वहाँ पर डिस्कस किया था। अभी तक अगर आपने उसको चेक नहीं किया तो उसको चेक कर सकते हो उस वीडियो के साथ में, क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ मिस हो गई थी वो मैंने ये सेकंड वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। बट इस डाउट को मैं दोबारा से क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जिस सिम को आपके लिए कन्वर्ट करना है ई सिम में, वो आपके लिए उस स्मार्टफोन में डालने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर किसी अदर स्मार्टफोन में भी उस सिम को रख सकते हो और आपके लिए उसी सिम से मैसेज करना पड़ेगा। फिर आपके ईमेल आईडी पर वो बारकोड देखने को मिल जाएगा, वो आपके मैकबुक में भी आ सकता है, वो आपके लैपटॉप में भी आ सकता है, डेस्कटॉप में भी आ सकता है, जहां पर आप जीमेल को एक्सेस कर पाओ। उसके बाद जरूरी नहीं है कि आपके आईफोन में ही वो सिम डली रहे, आप आराम से एक न्यू आईफोन में बिना किसी सिम कार्ड को डाले डायरेक्ट ई सिम को भी कनेक्ट कर सकते हो उस बारकोड को स्कैन करके। जरूरी नहीं है कि उसी में वो फिजिकल सिम को आप डालो, आप चाहो तो अपने किसी और स्मार्टफोन में भी डाल सकते हो, क्योंकि यहां पर वो सिम से यहां पर कोई मतलब ही नहीं है। यहां पर जो बारकोड आएगा उससे मतलब है, और बारकोड को आप जहां से एक्सेस कर पाओ फिर वो स्मार्टफोन पर कर पाओ, फिर वो उसी आईफोन में कर पाओ या यहां पर डेस्कटॉप में कर पाओ, तो शायद आप समझ गए होंगे कि यहां पर बारकोड से आपकी ई सिम कन्वर्ट होगी, ना कि एक फिजिकल सिम से। और बारकोड मंगाने के लिए आपके लिए वो मैसेज वगैरह करने होंगे, और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप दोनों वीडियोस को चेक कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर आ रहा है आशा जी की तरफ से, जो है बोलते हैं यहाँ पर आईफोन 7 का गिव अवे रिजल्ट कब आएगा। तो जो गिव अवे से रिलेटेड क्वेश्चन है वो मेरे को इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिले, वहां पर आप लोग मुझे फोर्स कर रहे हो कि गिव अवे का रिजल्ट यहाँ पर मैं रिवील कर दूं। तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक टारगेट भी फोकस किया है कि अगर 25,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होते हैं हमारे चैनल पर तो हम यहाँ पर आईफोन 7 का गिव अवे रखेंगे, वो भी एक यूज्ड स्मार्टफोन रहेगा। और अगर वो 31 जनवरी से पहले होगा तो 128GB वाला स्मार्टफोन गिव अवे करूंगा। के साथ साथ अगर वो 31 जनवरी के बाद होता है तो वहां पर मैं 32GB का स्मार्टफोन गिव अवे करूंगा। तो वो आप थोड़ा सा मेरे साइड से भी समझ के देखिए कि यहां पर अभी हमारा चैनल इतना ग्रो नहीं हुआ है, फिर भी हम लोगों ने कोई भी गिव अवे प्लान नहीं किया, तो उस लेवल पर मैंने गिव अवे आपके सामने प्रेजेंट किया। बट यहां पर अभी आप लोग सपोर्ट करिए, इतने जल्दी इसका रिजल्ट नहीं निकाल पाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा वेट करिए। अगर आप लोगों ने ये वाला टारगेट जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दिया तो इसके बाद यहां पर और भी बहुत सारे गिवअवेज हैं। और इसके अलावा अगर नेक्स्ट कमेंट के बारे में डिस्कस करता हूं तो वो एक अननोन यूजर, मतलब मुझे उसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है इस आईडी का, जिनका कहना ये है कि हाउ कैन वी टेक पार्ट इन गिवअवे। मतलब जो मैंने कम्युनिटी टैब में अभी जो इंस्टाग्राम पर गिवअवे चल रहा उसकी पोस्ट अपलोड की थी, तो उसके नीचे इन्होंने कमेंट किया है, तो उसका भी मैं आपके लिए पूरा सीन बता दूं कि वो किस तरह से, वो यहां पर गैजेटशील्ड की तरफ से एक प्रोटेक्टिव स्किन है जो कि मैंने आईफोन एसी 2020 पर लगा के देखा, उसका रिव्यू किया, और वो वीडियो मैंने अपनी आईजीटीवी वीडियो में अपलोड की। वहां पर आप उस आईजीटीवी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करना ना भूलें। इसके साथ साथ वहां पर 2 स्किन्स का गिव अवे है, और यहां पर अगर आप उसको अपनी स्टोरी वगैरह में रिपोस्ट करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। वहां पर जब हमारे 2021 फॉलोअर्स कंप्लीट हो जाते हैं वैसे ही मैं उसका गिव अवे का रिजल्ट अपलोड कर दूंगा यहां पर स्टोरी वगैरह में, और वो सब आपको पता चल जाएगा। और जो गिव अवे विनर रहेगा उसके पास जो स्किन्स हैं उनको भी शिप करा दिया जाएगा। यह पूरा सीन है। अभी तक अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया उस गिव अवे वीडियो में तो इंस्टाग्राम पर जाके आप उस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ओवरऑल गाइस यही कुछ कमेंट्स थे जो कि हमने यहां पर पिक करे। 2 हफ्ते से मैं यहां पर रेगुलर नहीं था, उसका जो भी इशू है वो कुछ इसी तरह से है कि अभिनव जी ने जो यहां पर कमेंट किया कि मैं पेड रिव्यू कर रहा हूं, तो इस तरह का कोई भी सीन नहीं है। और ओवरऑल ये कहना है कि आप लोग वही स्मार्टफोन्स की वीडियो को सपोर्ट कर रहे हो जो कि सेकंड हैंड स्मार्टफोन से कनेक्टेड है, और उससे रिलेटेड अगर मैं वीडियो बनाता हूं तो वहां पर ट्रस्ट पर खतरा आता है, क्योंकि मेरे कहने पर आप लोग वहां से स्मार्टफोन परचेस कर लो और उसके बाद स्मार्टफोन आपके लिए बेटर ना मिले, प्रॉपर ना मिले, तो हमारा ट्रस्ट यहां पर कहीं ना कहीं बाईपास होता है और हमारे चैनल की जो रेपुटेशन है वो भी डाउन होती है। तो इसी बेसिस पर वो पूरा एक वे था बिल्कुल सेकंड हैंड मार्केट को फोकस करके, उसको मैं चेंज करके न्यू स्मार्टफोन्स पर फोकस करना चाह रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और जैसे ही मैं न्यू स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग वगैरह अपलोड करता हूं तो आप लोग भी उस पर सपोर्ट नहीं दिखा रहे हो। ओवरऑल यही सीन है कि मैं चैनल पर रेगुलर नहीं हो पा रहा हूं, इसके साथ साथ आगे जो आपके लिए कॉन्टेंट होगा यहां पर YouTube चैनल पर वो आपके लिए बहुत ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए। और इसी वजह से मैंने अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया था। बट अपकमिंग डेज में आपके लिए किस तरह की वीडियोस देखने को मिलेंगी उसके बारे में मैं आपके लिए नोटिफाई करना चाहता हूं। यहां पर जो आईफोन्स हैं, जैसे 2021 में आपके लिए कौन सा आईफोन परचेस करना चाहिए, कौन सा आईफोन नहीं परचेस करना चाहिए, तो इसके ऊपर डेडिकेटेड रिव्यू वीडियोस आपके लिए अपकमिंग डेज में बैक टू बैक देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ आप देख सकते हो यहां पर ये आईफोन 5S है जो कि यहां पर डिसेबल हो चुका है और इसमें लिखा आ रहा है
है आईफोन इज डिसेबल्ड कनेक्ट टू आईट्यून्स। तो ये जो इशू है ये मैंने दो चार फ्रेंड्स के साथ देखा कैसे इसको क्लियर करना चाहिए, किस तरह से आईट्यून्स से कनेक्ट करके आप अपने आईफोन को अनलॉक कर सकते हो पासवर्ड फंस जाने के बाद में। ये वाला जो यहाँ पर एरर आता है इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, इससे रिलेटेड भी जो आईफोन्स के ऊपर टिप्स हैं तो उसके ऊपर भी आपके लिए वीडियोस देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ वन प्लस, सैमसंग और यहाँ पर जो भी फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन्स हैं उनका भी रिव्यू वीडियो देखने को मिलेगा 2021 के हिसाब से। यही टोटल सीन है 2021 का और आगे वीडियोस के माध्यम से आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो उसके लिए नीचे दिए गए रेड बटन को जल्दी से हिट कर दें। स्मार्टफोन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट या प्रॉब्लम है या किसी भी स्मार्टफोन से रिलेटेड अगर आपके लिए कोई कंफ्यूजन है तो आप डायरेक्ट मुझे किसी भी टाइम इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, वहां पर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स और डाउट रहेंगे उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके साथ साथ गिवअवे में पार्टिसिपेट करना ना भूलें। इसके साथ साथ लाइक द वीडियो, कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आगे मिलते हैं किसी नए वीडियो में।